अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कराने की मांग को लेकर कमिश्नर कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम अधिवक्ता संघ ने सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि जिला अधिवक्ता संघ द्वारा आज संभागीय कमिश्नर कार्यालय में डॉक्टर अनिल सुचारी को ज्ञापन पत्र सौंपा गया। इस दौरान अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी मुख्य मांगे है कि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू किया जाए। उन्होंने बताया कि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को लेकर बीते 10 वर्षों से रीवा सहित प्रदेश भर के अधिवक्ता मांग कर रहे हैं, जिसके चलते सरकार द्वारा पिछले पंचवर्षीय में कैबिनेट में प्रस्ताव को पारित किया गया, लेकिन इसे सदन में लाकर लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए, जिसके चलते आज प्रदेश सहित रीवा के अधिवक्ताओं द्वारा हर संभागीय और जिला मुख्यालय में ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 में ये मांग उठाई गई थी, इसके बाद वर्ष 2018 में भी इसी अधिनियम को लागू करने की मांग की गई थी, लेकिन सरकार द्वारा उसे नहीं माना गया था, जिसके चलते सरकार अल्पमत में आ गई थी। वहीं अगर इस बार हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम सरकार को लाइन से ही बाहर कर देंगे, ये कहना है जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे का। ये ज्ञापन अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसके लिए अधिवक्ता मध्य प्रदेश के पिछले 10 सालों से लगातार मांग कर रहे हैं और ये सरकार उसको कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर चुकी पिछली बार, लेकिन सदन में नहीं रखती और ना रख के कानून बनाती ना अध्यादेश जारी करती। इसके लिए पूरे प्रदेश के अधिवक्ता संघ आज मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंप रहे हैं कि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को तुरंत पारित करें, जिससे समस्त प्रदेश के अधिवक्ता निर्भीक होकर अपने पैसे के साथ न्याय कर पाए। क्या किसके नाम है ज्ञापन? मुख्यमंत्री के नाम। अगर आगे भी बात नहीं बाकी हर बार जैसे जो देते आ रहे हैं तो फिर अपने पास तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन है ही, लंबा खींच देंगे, उसमें क्या रखा है। कई बार आपने ये मांग की थी अधिवक्ताओं के हक के लिए, अभी तक कुछ रिजल्ट निकल के आए या फिर आश्वासन? 13वीं मांग 18वीं मांग की, नहीं माने तो बार्डर से नीचे पहुँचा दिया, इस बार नहीं मानेंगे तो लाइन के बाहर कर देंगे।